What is up my crazy family? It's your fam girl here. I am back with another new vlog. तो बहुत दिन बाद इस चैनल पे मेरा हिंदी ब्लॉग आ रहा है. अब मैं चैनल को एक्टिव रखने के लिए मेरा बंगाली ब्लॉग्स ही डाल रही थी बिकॉज मेरा तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब था और बंगाली चैनल पे डेली ब्लॉग्स आते हैं तो मैं वहाँ से उठा के यहाँ पर डाल रही थी क्योंकि इतना तबीयत ख़राब था कि मैं दोनों चैनल का शूट नहीं कर पा रही थी. तो आज फ़िलहाल घर पर बज रहा है, अभी घर पे बज रहा है 3:30 और अभी हम जा रहे हैं बेलून मॉड घूमने के लिए. घूमने के लिए कुछ भी नहीं होता, जा रहे हैं शूट के लिए ही और बहुत दिन बाद जा रहे हैं. इससे पहले गए थे शायद स्कूल के टाइम पे और अभी इस टाइम पे जा रहे हैं. तो आज दोनों चैनल का ही वीडियो शूट होगा मेरा. और तू क्या देख रहा है इधर? फाइन देख रहा हूँ. मेरा पॉल्यूशन कब तक है देख रहा हूँ ना. पुलिस पकड़ेगा तो नहीं तो केस खाएंगे हम लोग. बहुत दिन से सोच रहा था कि ये शायद ओवर हो गया. नहीं अभी बहुत दिन है, अभी 2023 तक तो है. अच्छा चलो गाइस अभी निकलते हैं क्योंकि अभी का जो टाइम है थोड़ा वही ठंड का मौसम आने से पहले, बट अभी तक 4:30-5:30 तक ही अंधेरा हो जाता है तो अगर थोड़ा शूट वगैरह भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा. चलो फिलहाल निकलते. आपने मार्केट में बहुत सारे टोनर यूज़ किए हैं बट आज मैं जो टोनर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है मामा अर्थ का ग्रीन टी टोनर जो कि अल्कोहल फ्री और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. एंड ये जो है ये बोतल कुछ ऐसे दिखता है. एज ये प्रोडक्ट मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ एंड ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, फेस को वॉश करनी है अच्छे से एंड उसके बाद ये ग्रीन टोनर अप्लाई करनी है. आपके पूरे फेस पे इसको अप्लाई करनी है और ऐसे डैबिंग मोशन पे आपके फेस पे इसको अप्लाई कर देनी है. ये टोनर आपके फेस से इम्प्योरिटीज दूर करता है, डार्क स्पॉट को दूर करता है एंड स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मामा अर्थ की ग्रीन टी डे क्रीम. अगर आपकी स्किन में ओपन पोर्स दिखाई देता है तो उन लोगों के लिए ये क्रीम एकदम परफेक्ट है. तो ये बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है. आपको फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लेनी है एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट है वो उसको लेनी है हाथों पे एंड उसके बाद स्किन पे ऐसे करके अप्लाई कर देनी है. रेगुलर यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देगा एंड ओपन पोर्स की आपकी जो इशू है वो भी दूर हो जाएगी. ये आप लोगों को नायका अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा और मेरे स्किन के ऊपर जो कोड आ रहा है अगर आप इसको यूज़ करो तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा. और मामा अर्थ जो है ये प्लास्टिक फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड अगर आप इसके वेबसाइट से इसको परचेस करो तो मामा अर्थ एवरी प्रोडक्ट परचेजिंग में एक सीट प्लान करता है जो कि एक गुड इनिशिएटिव है. तो हरी अप गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप लोग वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना. तो अभी हेलमेट पहन लेते हैं नहीं तो पुलिस के डंडे से बच नहीं पाएंगे. डंडा नहीं, अभी फाइन कटेगा. डंडा उठे तो अलग बात है, डंडा तो नहीं मार पाएंगे. डंडा ही मार दे तो तोला ये वाला डील अगर नहीं देखते जैकेट देख के आओ. पकड़ लिया था ये बोले कि सामने जाके ब्लॉग बनाओ. ये कुछ है ब्लॉग बना क्योंकि मेरे पास सारा पेपर ओके है तो कुछ कर नहीं पाएगा. अरे वो बोलेगा ब्लॉग कैमरा दे दो फिर ये वो नहीं बनाए. तभी चलो आगे है बेलून मॉड, चलो अंदर चलते हैं. घड़ी पे बज रहा है 4:15. चलो चलते हैं. तो गाइस अंदर आ रहे हैं और इधर लिखा हुआ है देखो बंगाली में लिखा है नो फोटोग्राफी अलाउड. बंगाली में लिखा है फोटो तुलना सर्वत्र निषेध. बट आप लोग हम एक चीज दिखाते हैं, इधर सारे लोग फोटो ही खींच रहे हैं. सारे लोग मतलब इन लोगों का पैसा भी बर्बाद टाइम भी बर्बाद. तो क्यों करते हो ऐसा काम जो लोग सुने ही ना. और ये हमारा बेलून मॉड
काफ़ी साल हो गए हम इधर नहीं आए। तो गाइस अभी इधर धूप जा रही है, इधर कैमरा शायद नहीं अलाउ करेगा, बट इतना भीड़ है यार आज सैटरडे, इतना भीड़ आप लोगों को क्या बताएं, दिखाते हैं। मुझे लग रहा है सब इस ठंड में पिकनिक मनाने आ गए इधर, हम मतलब ऑकवर्ड भी लग रहा है, अब कहाँ पर वीडियो शूट करेंगे। और इधर हमारा गंगा जी कितना मस्त लग रहा है यार, जल्दी जल्दी एक सब्सक्राइबर मिल गए तो अच्छा लगता है, ऐसे आप लोग जब आके बात करते हो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी चलो यहाँ पर चलते हैं, चल के शूट करेंगे, बट हम वही लोकेशन ढूंढ रहे कि कहाँ शूट किया जाए। तो गाइज अभी बहुत ज़्यादा शूट कर ली यहाँ पर रील वगैरह, बट बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी बिकॉज कि यहाँ पे लोग ना देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आप लोग देखो पीछे, तो सभी लोग देख रहे थे, तो मैं उधर से ना उस साइड पे चली जा रही हूँ बिकॉज इधर के लोग देख लिए, मेरे को थोड़ा शर्म आ गया, उधर के लोग तो नहीं जानते, तो उधर जाते हैं, तो उधर जाके थोड़ा बहुत शूट वगैरह करते हैं। और शूट क्या करेंगे, वैसे भी शाम होते आई है, अब बहुत भूख लग रही है मेरे को, शर्म आ रहा है मुझे, बहुत शर्म आ रहा है। किस चीज़ से शर्म, ये तुम्हारा काम है, अरे वो तो ये हमारा काम है, लेकिन इधर क्या है, सारा जगह लिखा हुआ है कि भाई नो फोटोग्राफी, और ऊपर से एक तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, ये शायद इंडिया में एक क्राइम है पब्लिक के नज़र में, ऐसे तो लोग कैसे कैसे देखते हैं, ऊपर से इधर हर जगह लिखा हुआ है तो और ज़्यादा क्राइम हो रहा है, सब लोग ऐसे घूर रहे हैं, हाँ ना ये लोग तो चोरी कर रहे हैं भाई। अरे यार वीडियो हम बनाते हैं उसमें लोग देखते हैं, और वीडियोज़ में मैं कई मंदिर का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ ही ना, मैं खुद का वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो खुद को दिखा रहा हूँ, तो कुछ नहीं दिखा रहा हूँ इधर। और इधर लिखा हुआ है कि नो फोटोग्राफी अलाउ, बट आप देखो इधर आप लोग सबसे ज्यादा लोग फोटोग्राफी इधर ही करते हैं, हाँ सबसे ज्यादा लोग फोटोग्राफी इधर ही कर रहे हैं, हम लोग कैमरा निकल ही नहीं, मुझे क्यों नहीं मालूम गाइस इधर इतना कौवा कहाँ से रहता है, पूरा बेलूर का सारे कौवा इधर ही रहता है यार, इतना सारा देखो पूरे सारे पेड़ पे कौवा ही कौवा, अभी उड़ा था शायद भी तुमने शॉट लिया था क्या, गोपुर पे शॉट लिया था, पूरा बेलूर मॉट में भी कौवा ही रहता है, हाँ वही देखो ये देखो, शूट वगैरह कर लिया, अभी चलो चलते हैं कुछ खाते हैं, इधर से निकलते भी है, शाम हो रही है और अंदर नहीं जाएंगे, अंदर तो अलाउ नहीं है, जाएंगे भी तो कैमरा लेके नहीं जा सकते, तो अंदर का आप लोगों को कुछ क्लिप नहीं दिखा पाएंगे, हम लोग तो खुद कुछ नहीं देखते, सब कैमरे के थ्रू देखते हैं, तो अंदर अगर कैमरा अलाउ नहीं है तो हम लोग जाते हैं, अलाउ नहीं है, हम भी अलाउ नहीं है, निकल गए बिल्डिंग मॉट से, और इधर और कब आएंगे नहीं मालूम, क्योंकि खुद ही आए इतने दिन बाद, और इधर वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाने तो बहुत दिक्कत होती है, तब भी खाएंगे हम लोग, क्या खाएंगे नहीं मालूम, ठीक है पापड़ी से डालती है, दो ही पापड़ी पापड़ी चाटी दो, पापड़ी चाट खाएंगे, पापड़ी चाट वगैरह खाना हो गया, तो अभी थोड़ा पानी पीते हैं और खुद को लेके चलते हैं घर। तो गाइस बेलून बोट से आ गए अभी हम लोग, पूरा घर के पास है, तो आज का ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम मेरा नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम दे रहा है, अभी तक बढ़ ही नहीं रहा है, 134K में स्टक हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, फिर मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब।